हेलो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हूँ मरकरी की, बुध की। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था बुध डायरेक्ट रेट्रोग्रेड और डायरेक्ट, आप उसे देख सकते हैं मेरे चैनल पर। आज बात करने वाली हूँ बुध की फिर से, क्योंकि बुध डायरेक्ट हो रहे हैं 4th of June को और वो 2nd of July तक डायरेक्ट रहेंगे, यानी कि टॉरस में रहेंगे। उसके बाद वो ट्रांजिट कर जाएंगे जेमिनाइज में। इस एक महीने में क्या ऐसी चीज है जो आप कर सकते हैं? बुध पर रेट्रोग्रेड थे, रेट्रोग्रेड होने की वजह से बुध के साथ जो भी एक बुध का काम करते हैं, आपको कम्युनिकेट करवाते हैं किसी और से, डीलिंग साइन करवाते हैं, नेटवर्किंग का काम करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग इन बुध, बैंक वर्क इज बुध, और लॉट्स ऑफ थिंग्स आर बुध जिसे हम यूज करते हैं हमारी रूटीनली लाइफ में। मोबाइल में आपसे बात करूँ, यही बुध है। अब बुध रेट्रोग्रेड थे लेकिन अब होंगे मार्गी होंगे, यानी कि डायरेक्ट होंगे। बेटर टाइम आने वाला है क्योंकि अभी तक रेट्रोग्रेड थे तो कुछ चीज़ों पर उनका जो प्रभाव था, आई कैन से सारे जोडिक साइन पर, वो पॉजिटिविटी नहीं दे पा रहा था या वो इफेक्ट नहीं दे पा रहा था, अच्छा इफेक्ट नहीं दे पा रहा था जो कि बुध को देना चाहिए या जिसका बुध कारक है। टॉरस में बुध है, टॉरस के स्वामी शुक्र है। वीनस और बुध की बहुत ही अच्छी मैत्री मानी जाती है। बुध का वैसे भी एक नेचर होता है कि जिसके साथ बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, उसी की तरह एक्ट करने लगते हैं, यानी संगत का असर बुध करवाता है। कंपनी जो आप जिसके साथ रहते हैं, बुध कंपनी का भी कारक होता है, यानी संगत का कारक होता है। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ आपका समय बीतता है, थोड़े थोड़े टाइम बाद आप उन जैसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, उनकी तरह बोलना शुरू कर देते हैं, या आई कैन से आप उनकी तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो बोली हो, चाहे आपकी एक्टिविटीज़ हो, चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज हो। बुध इसका बहुत बड़ा कारण होता है संगत का, इसलिए अपनी संगत को थोड़ा ख्याल रखिएगा हमेशा। अब बात करती हूँ बुध के डायरेक्ट होने की। एक महीने का जो समय है टॉरस में आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव समय है। सारे जोडिक साइन के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन ये मेरा जो आज का वीडियो है वो बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। आज सारे जोडिक साइन को मैं सिर्फ एक या दो लाइन्स के बारे में ही बताऊँगी, लेकिन वो जो लाइन है, यानी दैट इज़ द ओनली की पॉइंट्स आई कैन से, और उससे आप कैश कर सकते हैं। पूरा एक महीना बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ऑलरेडी से बुध अलते योग बन रहे हैं टॉरस में, यानी सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन 15 जून को सूर्यदेव जो है जेमिनाइज में चले जाएंगे, ट्रांजिट कर जाएंगे। तो बात करते हैं बुध की। मैं सिर्फ यहाँ बुध की बात कर रही हूँ, नो बुध अलते योग की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बुध की बात कर रही हूँ कि क्या इफेक्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जोडिक साइन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एरीज की बात कर रही हूँ, मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आ रहे हैं 2nd house में, बहुत अच्छा समय है आपके बैंक से रिलेटेड कोई भी काम करने का, बहुत अच्छा समय है अगर आप लोन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताने का, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट ना करें। बात करती हूँ टॉरस की। आपके 1st house में ही बुध आ रहे हैं, आए हुए हैं अभी इस वक्त, बहुत ही अच्छा समय है फॉर द कम्युनिकेशन, अपनी स्पेशली अपनी रिलेशनशिप की बात करती हूँ उसके लिए। लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा समय है, अगर प्रपोज करना है किसी को तो बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं, यानी कि 4 June से 2 July के बीच की बात कर रही हूँ मैं आपको। उसके अलावा आपके सोच विचार का भी जो है दायरा है वो बढ़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन पावर आपकी बढ़ने वाली है। बात करती हूँ जेमिनाइज की। जेमिनाइज के लिए आ रहे बैठे हैं इस वक्त 12th house में, वेरी गुड वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर द जेमिनाइज, बिकॉज 12th house में बैठ करके वो आपको देश विदेशों से होने वाली बहुत अच्छी प्रॉफिट के बारे में बता रहे हैं या इफेक्ट कर रहे हैं उसमें। किसी भी तरह का ऐसा काम जो विदेशों से आप संबंधित करने वाले थे, नई डील साइन करने वाले थे या अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले थे, बहुत अच्छा समय है, आप कर सकते हैं, नई ऊंचाइयों को छूने का समय जेमिनाइज के लिए। बात करते हैं कैंसर्स की। कैंसर्स के लिए आ रहे हैं 11th house में, यानी कि बैठे हुए हैं 11th house में। मनी वाइज बहुत अच्छा समय है, कोई नई डिजायर्स आप जो मन में थी रिलेटेड ऑफ द बुध, आई मीन आपको कोई ऐसी चीज़ थी जो आप इंटरव्यू दे रहे थे या कम्युनिकेशन पावर से आपको प्रॉब्लम हो रही थी कि आप वो काम नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशंस, राइट नाउ जो चीज़ है वो होगी ये कि आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, स्पेशली ये डिजायर प्लेस पे बैठे हैं तो इनकम बढ़ने के चांसेस है, अच्छा समय आएगा, आपकी रूटीन इनकम भी स्टार्ट हो सकती है इस टाइम। बात कर लियोस के लिए बैठे हुए हैं 10th house में, बुध आदित्य योग बन रहा है क्योंकि सूर्य भी 10th house में बैठे हैं, लियोस के लिए बहुत ही अच्छा समय है फॉर द योर करियर। नेटवर्किंग साइट से रिलेटेड या ऑनलाइन बिजनेस या सेल्स मार्केटिंग या कम्युनिकेशंस, इस तरह की कोई भी अगर बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा अपने पिता के साथ भी उनके बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है लियोस के लिए करियर के लिए, क्योंकि सूर्य भी वहाँ बैठे हुए हैं 15 June तक, बहुत अच्छे बड़े डिसीजन अगर लेना चाहते हैं तो 15 June तक का जो टाइम है बहुत अच्छा है। अब बात करने वाली हूँ मैं वर्गोस की। वर्गोस के लिए 9th house में है,
बुध रहते योग यहाँ भी बन रहा है 15 जून तक। वर्गोस के लिए रिचुअल्स के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ थी जो कि रुकी हुई थी आपकी बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद, तो डेस्टिनी प्लेस पे बुध बैठे हुए हैं, अच्छा समय है। उसके अलावा आपके किस्मत का भी दरवाज़ा खोलने के लिए बुध बैठे हुए हैं, तो मेहनत में पीछे ना हटें, कर्म कीजिए, क्योंकि बुध आपकी किस्मत को ट्रिगर करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। वेरी गुड टाइम फॉर यू, वर्गोस की भी बात कर रही हूँ। उसके अलावा कम्युनिकेशन पावर भी आपकी बढ़ने वाली है। अब बात करती हूँ लिब्रास की। लिब्रास के लिए आए हैं 8th हाउस में, आपके बैड ट्रिप्स को रिकवर तो डेफिनेटली करने वाले हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं ऐसी कोई आपकी जो रिलेशनशिप का जो मैटर था या कोई कम्युनिकेशन गैप आ रहा था फॉर रिलेशनशिप, मैं लिब्रास की बात कर रही हूँ, तो उसके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो रियली वेरी गुड टाइम फॉर लिब्रास, क्योंकि 8th हाउस में बुध आकर के बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको पावर दे रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए, तो अपनी बात को आप रख सकते हैं, नो डाउट। अब बात करते हो स्कॉर्पियोज की। आपके लिए 7th हाउस में है, अगर डिबेट्स चल रही थी अपने स्पाउस के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, या आपको लगता था कि कोई आपकी बात को समझ नहीं पा रहा, तो दिस इज द टाइम कि आप अपनी बात को समझा सकते हैं। बुध जब डायरेक्ट होते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ स्कॉर्पियोज की, ईगो को साइड में रखिए, अपनी बात को बताइए, अपनी बात को समझाने की कोशिश कीजिए अच्छे शब्दों में। उसके अलावा अब तक का जो अगर रिलेशनशिप आपको प्रॉब्लम्स कर रहा था, तो डेफिनेटली आपको अब लगेगा कि आपका रिलेशनशिप संभल रहा है, या पुराने जो मनमुटाव थे उनमें काफ़ी हद तक आई कैन से रिकवरी आएगी। सेजिटेरियस की बात करती हूँ, आपके लिए बैठे हैं 6th हाउस में, कहीं ना कहीं आपको पावर दे रहे हैं रिकवरी फ्रॉम योर हेल्थ। अगर आपको लगता था कि हेल्थ में मुझे प्रॉब्लम है या आ रही थी, तो अभी अच्छा टाइम है, लेकिन 14 जून के बाद आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ। अगर आपको अपनी हेल्थ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो डेफिनेटली इस वक्त समय अच्छा है, आपकी हेल्थ की रिकवरी हो सकती है। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी मैं आपको रेमेडी देना चाहूँगी, गाय को हरा चारा जरूर से जरूर खिलाएं। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ और थोड़ा कूल रहे हैं, ठीक है। अब बात करती हूँ कैप्रिकॉर्न्स वालों की। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए आ रहे हैं ये, बैठे हुए हैं ये 5th हाउस में, बहुत ब्यूटीफुल समय है फॉर योर लव रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से अगर आपकी कहीं ऐसी कोई बात चल रही थी कि आपसे बात नहीं हो पा रही थी आपके लव वंस की, या आपकी जो क्रिएटिविटी है उसमें कुछ आपको लग रहा था कि डाउनफॉल चल रहा है, या रूटीन इनकम ही प्रॉब्लम आ रही थी, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगला एक महीना यानी 4 जून से लेकर के 2 जुलाई तक का जो समय है वो कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समय है, इसको जरूर जरूर कैश कर लीजिए। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। आपके लिए 4th हाउस में बैठे हुए हैं, 15 जून के बाद समय आपका ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी सूर्य वहाँ पर विराजे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है जो कि अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। अपनी माता के चरणों को छुइए। उसके अलावा मैंने आपको एक रेमेडी दी थी मेरे पिछले मरकरी वाला जो वीडियो था उसमें, वो ये है कि अपने घर में ऐसे फ्लावर्स लगा सकते हैं आप कि उसमें आपको हमेशा से फूल आए, यानी कि 12 महीने फूल आना चाहिए उसमें, सीजनल वाला पौधा ना लगाए, दिस इज़ वेरी गुड फॉर एक्वेरियस। उसके अलावा माता के मैंने कहा चरणों को आप छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, वेरी गुड टाइम है। अब बात करते हैं पाइसिस वालों की। पाइसिस वालों के लिए आ रहे हैं 3rd हाउस में, अमेजिंग टाइम फॉर यू, क्योंकि कहीं ना कहीं पाइसिस में ऑलरेडी से मंगल और गुरु खुद ही बैठे हुए हैं, और 3rd हाउस में जेमिनाइज में, सॉरी 3rd हाउस में मरकरी का डायरेक्ट होना, दैट इज़ वेरी गुड टाइम। आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपकी ट्रैवलिंग बढ़ेगी, आपके बिजनेस के नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, बहुत अच्छा समय है। मेरी तरफ से बहुत बड़ी हाँ है, रिस्क लेने से घबराइए। 4 जून से लेकर के 2 जुलाई के बीच में वो सब काम कर सकते हैं जो कि रुके हुए थे, बेस्ट डील साइन कर सकते हैं, बेस्ट रिस्क ले सकते हैं इन योर करियर, इन योर बिजनेस, इन योर जॉब। उसके अलावा अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी या अपनी बात कहने में आपको लग रहा था हेजिटेट कर रहे थे आई कैन से, तो प्लीज़ ये जो समय है, मैं 4 जून से 2 जुलाई के बीच में बात कर रही हूँ, अपनी बातों कह दीजिए, आपके लिए अच्छे रिलेशनशिप और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही है, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा, बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, फॉर द की पॉइंट विथ डायरेक्ट मरकरी, 4 जून से 2 जुलाई 2022। कीप वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।